सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है केसर। आज मैं आपको इंडियन इकोनॉमी कराने वाला था, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर पे थे। ये आज उसका लास्ट पार्ट है। आज ये चैप्टर मैं आपका ख़त्म करा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते थे कि भाई ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशिक शोषण कैसे हुआ। तो मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करा दूं, जिसमें हमने पढ़ा था कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये तीनों हमने बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लिए थे और जनांकीय रूपरेखा भी हमने कर लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे आज हम स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। सो चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे हमारा उस टाइम जब हम स्वतंत्र हुए, हमारा कैसा व्यावसायिक ढांचा था। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक कृषि व्यवसाय का एक प्रमुख स्रोत। देखो, जो उस टाइम पे क्या था, जब हम स्वतंत्र हुए थे, हमारे पास सिर्फ जो एक कृषि था ना, वो व्यावसायिक का एक प्रमुख स्रोत था। यहाँ पे कम से कम 72% जो हमारी जनसंख्या थी वो कृषि में लगी हुई थी, और कुछ परसेंट जो थी जो उद्योगों में लगी हुई थी। लेकिन ज़्यादातर हमारा जो एक प्रमुख स्रोत जो था, व्यावसायिक का जो प्रमुख स्रोत था, वो हमारा सिर्फ कृषि था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें कच्चे माल का ही निर्यात बनाया था, तो ज़्यादातर हमने प्राइमरी सेक्टर पर ही ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, दूसरा हमारा उद्योग एक महत्वहीन स्रोत। और जो हमारा ये जो उद्योग था, ये एक महत्वपूर्ण स्रोत था, क्योंकि इसमें कम से कम 9 या 10% जनसंख्या थी जो इस पर लगी हुई थी। क्योंकि ज़्यादातर हमने अपने द्वितीय और तृतीयक सेक्टर पर तो ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, हमने ज़्यादातर अपने प्राइमरी सेक्टर पर ही ध्यान दिया था। तो ये हमारे लिए एक महत्वहीन स्रोत की तरह रह गया था, क्योंकि ब्रिटिशर ने हमें आदत डाल दी थी कि आधुनिक वस्तुएं हमारे वहाँ से बन के आती थी, और जो वो थे ब्रिटिशर्स थे, वही हमारी इंडिया में थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं उद्योग लगाते थे। तो हम ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, हमारा सिर्फ कृषि या कच्चा माल ही हमारा एक स्रोत था। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण स्रोत था। तीसरा हमारा है असंतुलित विकास। अब क्या था, हमारा विकास जो था असंतुलित था। क्यों था भाई? देखो, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था ना, प्राथमिक क्षेत्र, ये जो था ये इंक्रीज हो गया था, मतलब बढ़ गया था स्वतंत्रता के समय। ठीक है, और जो हमारा सेकेंडरी है और तृतीय है, ये दोनों जो हमारा था डिक्रीज हो गया था। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो था वो इंक्रीज हो गया था, और जो सेकेंडरी और वो था हमारा थर्ड, मतलब द्वितीय और तृतीय, ये दोनों जो हमारा था डिक्रीज हो गया था। ठीक है, तो हमारा जो विकास था वो असंतुलित हो गया था। जब ये तीनों हमारे बराबर हो तब हमारा विकास संतुलित में आता, लेकिन ये जो था हमारा प्राइमरी सेक्टर पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया, सेकेंडरी और हमारा जो तृतीय सेक्टर है वो दोनों हमारा कम हो गया था। ठीक है, स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचे में सिर्फ ये तीन ही पॉइंट है, आप इनको अच्छे से कर लेना, आएगा इसमें क्वेश्चन तो 3 नंबर का बन के आएगा। सो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, कृषि व्यावसायिक का प्रमुख स्रोत, इसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो लिख देना, उद्योग महत्वहीन स्रोत था वो भी लिख देना, और असंतुलित विकास क्यों था आप वो भी लिख सकते हैं। सो हम अपना आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसमें आधारिक संरचना, स्वतंत्रता के समय हमारी आधारिक संरचना कैसी थी। सो चलो मैं इसको मिटो देता हूँ। भाई देखो, स्वतंत्रता के समय हमारी आधारिक संरचना हम पढ़ेंगे। आधारिक संरचना होती है हमारी, इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारी क्या हुआ था, आपको बताया था मैंने, रेलवे का आगमन हुआ था। अब भाई रेलवे का आगमन क्यों हुआ था? जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो बाज़ार था वो विस्तृत करने के लिए उन्होंने रेलवे का आगमन करा था। ठीक है, रेलवे का आगमन हुआ भाई आधारिक संरचना में। सबसे पहला रेलवे का आगमन हुआ, दूसरा हमारा हुआ बंदरगाहों का विकास हुआ। जो माल जो हमारा था, मतलब ज़्यादातर हम कच्चा माल ब्रिटेन को दे सकें, उसके मार्ग खुलवा दिए गए। ज़्यादातर हमारा पहले हमें दूर, मतलब साइड, मतलब दूरों से जाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने जब से बंदरगाहों का विकास किया तो हमें एक सीधा डायरेक्शन मिल गया, हम ज़्यादातर वो कच्चा माल हमारे से ले सकते थे और ज़्यादा हमें आधुनिक वस्तुएँ प्रदान कर सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, बंदरगाहों का विकास कर दिया। ठीक है, तीसरा हमारा उन्होंने करा सड़कों का विकास।
ठीक है। तीसरा, उन्होंने हमारा सड़कों का विकास कर दिया, सड़कें अच्छी पक्की बनाई गई जिससे हम ज़्यादातर उनको कच्चा माल दे सके, ठीक है। फोर्थ, हमारा डाक तार का विकास। ये जो किया गया था डाक तार का विकास, ये इसलिए किया था प्रशासनिक कुशलता के लिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी देन है हम ब्रिटिशर्स की हमारे ऊपर, डाक तार का विकास, ठीक है। जो आधारिक संरचना में हम पढ़ेंगे ये चार पॉइंट है, एक तो रेलवे का विकास, बंदरगाहों का विकास, सड़कों का विकास, डाक तार का विकास क्यों किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो है इस चैप्टर में एक क्वेश्चन बनता है, ज़रूर आता है वो ज़्यादातर पेपरों में, तो वो होता है कि यार कि ना क्या भारत में ब्रिटिश शासन का कोई सकारात्मक प्रभाव भी था, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया में ज़्यादातर उन्होंने हमें लूटा, क्या उनका मतलब हमारे ऊपर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तो हम वो कहेंगे, कोई कोई बच्चे होंगे वो कह देंगे भाई नहीं कोई नहीं पढ़ा था, उन्होंने सिर्फ हमें लूटा था, लेकिन मैं कहूँ तो पढ़ा था, क्यों पढ़ा था मैं उसका भी आंसर आपको देता हूँ, क्या हुआ था मैं आपको पॉइंट्स लिखवाता हूँ उसके, ठीक है। सो मैं इसको मिटो देता हूँ, देखो क्या हुआ था। सबसे पहला कृषिकों का व्यापारिक दृष्टिकोण, जो किसान थे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अब क्या था कृषिकों का व्यापारिक दृष्टिकोण क्या था, मतलब जो किसान थे पहले निर्वाह खेती करते थे, सिर्फ अपने और अपने परिवार तक के लिए खेती करते थे, लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए उन्होंने उससे बाध्यकारी व्यापारीकरण कराया, मतलब जानबूझकर खेती कराते थे और उसको बाहर व्यवसायिक में बेचते थे, तो इससे क्या हुआ उन्होंने उनके दिमाग में जब वो स्वतंत्र हुए तो उनके दिमाग में भी ये आ गया, वो निर्वाह खेती नहीं करते थे अब वो व्यावसायिक खेती भी साथ के साथ करते थे, उनका जो दृष्टिकोण है वो बदल गया था ब्रिटिशर्स की वजह से, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ऐसे नहीं करा कि भाई इनका भी उद्धार हो सके, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए लूटा, लेकिन हमारे भारत ने उसी से अपने दृष्टिकोण चेंज कर लिया, इससे हमारा उनसे हमारे ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, ठीक है। कृषिकों का व्यापारिक दृष्टिकोण हो गया। दूसरा पॉइंट आपका आता है रोजगार के नए अवसर, अब क्या था कि भाई जब हमारे लिए ना नए नए रोजगार के नए अवसर खुल गए थे, अब जो थे लोग अलग अलग काम करना स्टार्ट करा था उन्होंने, तो उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर खुलते चले गए आगे तक, ठीक है। एक तो ये हमारे ऊपर पड़ा उनका सकारात्मक प्रभाव, और तीसरा हमारे ऊपर पड़ा अकाल पर नियंत्रण। अब क्या था, पहले जब अगर बारिश अच्छी होती थी तभी हमारी खेती अच्छी होती थी, वरना नहीं। अब क्या हुआ, हमने अकाल पर नियंत्रण पा लिया, अगर बारिश नहीं होती थी तो हम कोई और खेती कर लेते थे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा चलता गया, हमने अकाल पर नियंत्रण पा लिया, ठीक है। सो ये था उनका एक सकारात्मक प्रभाव। फोर्थ है हमारा विनिमय की मुद्रिक प्रणाली, ये सबसे अच्छी प्रणाली है। पहले क्या था, हमारी बार्टर सिस्टम था, मतलब हम सामान के बदले सामान लेते देते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो, अब हम मुद्रा प्रणाली, जब से मनी चल गई तो मतलब हम पैसों से लेन देन करना स्टार्ट कर दिया। जिससे पहले किसान होता था कि अगर उसको कोई और सामान चाहिए तो उसको कोई वस्तु देनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा सिस्टम खत्म हो गया था, पैसे की व्यवस्था चल गई थी, तो जिससे हम पैसों से कोई भी सामान खरीद सकते थे, ठीक है। ये बहुत अच्छी प्रणाली है। और हमारा नेक्स्ट है कुशल प्रशासनिक प्रणाली, ये काफ़ी अच्छी प्रणाली है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये प्रशासनिक के काम के लिए भारत को सबसे अच्छी देन थी ब्रिटिशर्स की, कुशल प्रशासनिक प्रणाली, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पांच पॉइंट, ठीक है, कि भाई उन्होंने क्या क्या हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव करे। पहला था कृषकों का व्यापारिक दृष्टिकोण हो गया था, दूसरा हमारा था रोजगार के नए अवसर खुल गए थे हमारे लिए, तीसरा था अकाल पर नियंत्रण पा लिया था हमने, फोर्थ था विनिमय की मौद्रिक प्रणाली हो गई थी, वस्तुओं की वस्तु नहीं थी अब पैसों का सिस्टम चल गया था, कुशल प्रशासनिक प्रणाली भी आ गई थी। ये सबसे मेन पॉइंट है कुशल प्रशासनिक प्रणाली, अगर आए तो ये पॉइंट ज़रूर लिखना है आपको, ठीक है। सो देखो क्या है, मैंने आपको ये बारीकी से हर एक चीज़ करा दी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, जितनी भी हमारी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आती रहेगी। और हाँ, एक और बात कि यार देखो, मैंने आपको हिंदी में ही समझा दिया, और इंग्लिश वालों के लिए ये हिंदी में भी समझाएंगे तो आपको हिंदी में ही, ये हिंदी में समझा दिया मैंने आपको, नोट्स जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइडर डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। और जो आपके अब जो आपका पैटर्न है इस साल, जो 2020 में जो आपका पैटर्न है पेपर का, चेंज हो चुका है, एक एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मैंने आपको वो भी प्रोवाइड कराए हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे से कोई गलती भी हो गई हो तो माफ़ कर देना, लिखते समय कुछ भी गलती हो जाती है, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए भी।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच।